हाई लाइफ से लोगों को सब कुछ समझ लीजिए। आज हम बनाने वाले हैं टी बैनर, क्योंकि ये है मेरे और चार का, ठीक है, ये चार का देख सकते हैं। ये 10 का टी एन बनाए गए आज में, आप अगर उठे देखिए बहुत सारी चीज़ें इसमें हम बताएंगे, थोड़ा 10 से एग्जाम्पल चाहिए। ये चार का साथ ही साथ एक सीजर लेना है, ये रो लेंस, ठीक है, मार्कर लेना है चार्ट पर खींचने के लिए। ये देखिए ये बटरफ्लाई है बड़ी बड़ी, ये भी लगाए हैं हम उसमें, ठीक है, आप देख सकते हैं। उसके बाद में हमारे पास बहुत सारे पेजेस हैं, ये पेजेस आप देख सकते हैं, इसमें हम लिखेंगे जेल सिंपल से लगा करके मुझे परफेक्ट करती है, इस पर सारी चीज़ें एक फेवी बोर्ड भी लेना है आपको। और साथ ही साथ ये देखिए ये बनाया हमने पेज, आज स्पेशली हम बात कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टेंस, टी एल एम। टी एल एम का फुल फॉर्म होता है टीचिंग लर्निंग मटेरियल, ठीक है। तो आप देखते हैं तो ये बहुत सारी बटरफ्लाई जो इतनी है, इसे इंग्लिश में हम कहते हैं बटरफ्लाई, ठीक है। फिर तो इसको हम लगाएंगे, कैसे लगाएं क्या करेंगे आपको पूरा लाइव और दिखा रहे हैं, तो अंत तक देखें आपको बहुत मजा आता है, ठीक है। सो गाइस नाउ आई एम स्टार्टिंग मेकिंग दिस टी एल एम, ठीक है। हमने लिख दिया है सभी के बारे में, इसको मैं एक एक करके आपको दिखाऊंगा, सबसे पहले मैं देख लेता हूँ, देखिए लिखा हुआ है इंडियन कंटिन्यूस, ठीक है, इंडियन कंटिन्यूस टेंस, गेट इंडियन कंटिन्यूस टेंस, इंडियन कंटिन्यूस टेंस दो हो गए, ठीक है। देख रहे हैं पास्ट सिंपल टेंस, देखिए आप देख सकते हैं ये पास्ट एंड फ्यूचर, अब तीनों के चार चार फॉर्म बनाएंगे। ओके गाइस, तो सबसे पहले जान लेते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में। देखिए मैंने चारों मैंने लिख के आपके लिए रेडी कर दिया है, देखिए प्रेजेंट सिंपल, उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, ठीक है। तो हम एक एक करके इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं प्रेजेंट सिंपल के बारे में, ठीक है। तो ये प्रेजेंट सिंपल है, आप देख सकते हैं प्रेजेंट सिंपल। अब इसके अंदर जो लिखा हुआ है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, उसके बाद में हम एक एक करके इसको स्टिक करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं, आपने जो फर्स्ट वीडियो डाला था उसमें बहुत सारे कमेंट आए थे कि सर इसका पूरा वीडियो बना, देखिए इसके बारे में सब लिखा गया है, आप देख सकते हैं पूरा का पूरा, बहुत ही मेहनत लगी इसको बनाने में, ये देखिए लिखा गया पहचान इसकी, इस काल इस टेंस वर्तमान में होने वाली कार्य सत्य घटनाओं, आप देख सकते हैं पढ़ सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे पूरे के पूरे स्ट्रक्चर लिखे गए हैं, ठीक है गाइस। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें डिटेल में बताया गया है, आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं। उसके बाद में एग्जांपल भी दिया गया है, सेंटेंस बनाए गए हैं, ठीक है। ये देखिए इस प्रकार से ये हो चुका है हमारे प्रेजेंट सिंपल टेंस का, ठीक है। अब बात करते हैं हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, ठीक है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस होगा। देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, आइए इसको खोल के देखते हैं इसके अंदर क्या है, इसके अंदर तो कुछ भी नहीं है भैया, ये तो खाली निकला पूरा। चलो देखते हैं दूसरा लेते हैं, ये है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। आप देखिए वर्तमान में कोई भी कार्य चल रहा है, हो रहा है या जारी है, इसे कार्य को अंग्रेजी भाषा में बताने के लिए हम इस टेंस का प्रयोग करते हैं। किस टेंस का, यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है। अब देखिए इस पे सारे स्ट्रक्चर दिए गए थे, ये देखिए कितने पूरे के पूरे स्ट्रक्चर लिखे गए हैं, एग्जांपल दिए गए हैं, कितना प्यारा बनाया यार, सिर्फ आपके लिए। आपने पहले वीडियो को बहुत ही प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन ये वीडियो को हमने और डिटेल में बनाया है, ठीक है। इस प्रकार से आप बना सकते हैं, स्कूलों में प्रोजेक्ट बनाने के लिए इस प्रकार की मेहनत कर सकते हैं। देखिए इसको बनाया, फिर ये बॉर्डर हमने बनाई है पूरी की पूरी बॉर्डर, ठीक है। आइए जानते हैं प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूस हो गया, अब बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट की, ठीक है। यह है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, देखो सभी कलर्स में है, ये देखिए इसके अंदर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। अब इसके बाद में देखो इसको रेडी, ये जब पूरा रेडी होगा ना, इसको पूरा रेडी करके मैं आपको दिखाऊंगा कितना शानदार लगेगा। आप कभी स्कूल में इस प्रकार से लेके जाओगे तो आपके टीचर बहुत ही खुश हो जाएंगे, ठीक है। स्ट्रक्चर सारे के सारे दिए गए हैं, सब्जेक्ट हैज है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, पूरे के पूरे एग्जांपल लिखे गए हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है गाइस। ये हो चुका है,
नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसको आगे देखते हैं, इसके रूल्स आप यहाँ पे लिखे गए हैं, रूल्स को पढ़ सकते हैं आप, ठीक है, पूरा फोकस मैंने उसको कर दिया है। उसके बाद में यहाँ पे पूरे स्ट्रक्चर लिखे गए हैं, उसके एग्जांपल लिखे गए हैं, एग्जांपल पढ़ सकते हैं आप। ओके, अंत तक देखिए, बहुत सारी चीज़ें इसमें डिटेल में आपको जानकारी मिलेगी, किस प्रकार से चिपकाना है, क्या करना है, ठीक है। अब देखिए, ये हमने बात करा प्रेजेंट सिंपल की, अब हम बात करते हैं दोस्तों पास्ट की, ठीक है। चलिए दोस्तों जानते हैं पास्ट सिंपल टेंस के बारे में। ये आप मेरे हाथों में देख रहे हैं, पास्ट सिंपल टेंस का मैंने एक लिफाफा बनाया है, पास्ट कंटिन्यूस का बनाया है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का बनाया है, ठीक है दोस्तों। तो आइए सबसे पहले जानते हैं पास्ट परफेक्ट पास्ट सिंपल का, ठीक है। देखिए पास्ट सिंपल का ये जो लिफाफा है, ठीक है, इसे इस प्रकार से लिफाफा बना है। देखो ये बॉर्डर मैंने हमने बनाया है, बहुत मेहनत करिएगा, क्या मेहनत करी इसमें, और लास्ट में बनाने के बाद में आपको वीडियो देखो, इसकी डेफिनेशन लिखी गई है, पूरी डेफिनेशन ये है, आप देख सकते हैं डेफिनेशन को, ठीक से, ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ पे स्ट्रक्चर पूरे के पूरे लिखे गए हैं, स्ट्रक्चर लिखने के बाद में हमने उसमें एग्जांपल भी लिखा है, आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर। ये जब पूरा कंप्लीट होगा ना तो इतना शानदार दिखेगा, बहुत ही प्यारा, ठीक है। चलिए ये है हमारा पास्ट सिंपल का। अब हम बात करते हैं, देखिए ये रॉन्ग आ गया, ये पास्ट, अब हम बात करते हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस की। देखिए पास्ट कंटिन्यूस में देखते हैं, ये उसकी डेफिनेशन है, डेफिनेशन आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, डेफिनेशन आप पढ़ सकते हैं, लिखी हुई है डेफिनेशन। अब इसके बाद में हम इसको खोलते हैं, देखो अब अंदर देखते हैं क्या निकलता है इसका, ठीक है। देखिए दोस्तों थोड़ा पूरे स्ट्रक्चर लिखे हैं, साथ ही साथ सेंटेंस भी बनाए गए हैं, ठीक है। चलो तो हम इसको रख देते हैं, अब है पास्ट परफेक्ट, ठीक है दोस्तों, अब है पास्ट परफेक्ट को जान लेते हैं, पास्ट परफेक्ट इसको खोलते हैं, इसकी डेफिनेशन आप देख सकते हैं, ठीक है, पूरे कैमरे पे इसकी डेफिनेशन में लग कर देता हूँ, ठीक है। अब इसको खोलते हैं, पूरे स्ट्रक्चर भी लिखे गए इसमें और एग्जांपल भी लिखे, ठीक है। चलो अब लास्ट है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है, अब इसको देख सकते हैं इसकी डेफिनेशन, इसके बाद में एग्जांपल वगैरह बहुत सारे लिखे गए हैं, ठीक है, इस प्रकार। चलिए इसको देखते हैं आगे। चलिए दोस्तों फ्यूचर सिंपल के बारे में जानते हैं। देखिए फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, हम सभी के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं फर्स्ट वाला लिफाफा खोलता हूँ, तो फर्स्ट वाला लिफाफा है, देखिएगा अंदर की साइड कितना शानदार है, पहचान, इसकी पहचान लिखी गई है, डेफिनेशन आप लिख सकते हैं। डेफिनेशन के बाद में यहाँ पे ये चिपक गया है, यहाँ पे स्ट्रक्चर पूरे के पूरे लिखे गए हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है स्ट्रक्चर। आइए आगे जानते हैं, देखिए इसको अभी हम चिपकाएंगे ना तब बहुत मज़ा आएगा। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, अब देखिए ये उसकी डेफिनेशन है, आप देख सकते हैं डेफिनेशन, उसके बाद में उसके एग्जांपल सही, एग्जांपल भी है, स्ट्रक्चर भी है, स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं आप, यू कैन सी द एग्जांपल एज वेल। ओके नेक्स्ट फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट है डेफिनेशन इसकी। उसके बाद में हम जानेंगे, ये देखिए, ठीक है, अब लास्ट बचा है, फिर हम इसको चिपकाना स्टार्ट करेंगे।
कि लास्ट में देखना कितना पैर लगे। ये आप देख सकते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। पढ़ सकते हैं आप इसको, ठीक है दोस्तों। तो आइए इसको चिपकाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ओके गाइस, तो हम इनके पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चिपकाना, देखिए ये अगर हम इसको फाइनली सेट कर रहे हैं, चलिए दोस्तों इसको छुपाते हैं इसकी दोनों को, ठीक है। इसके साथ हम टेस्ट करने वाले हैं, ठीक है। आप देखते रहिए, ये दो डोर है, ठीक है। दो डोर के साथ हम टेस्ट करेंगे, फिर उसको बटरफ्लाई के साथ, ठीक है। सारी उसका आई टी लगा सकते हैं, लेकिन अभी हमारे पास जो व्यवस्था है उसके साथ अच्छा काम कर रहा है।
पूरे 12 पार्ट इसमें दिए गए हैं, ठीक है। इसको बनाने में बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क हमने किया है। यू कैन सी दिस इज TLM टीचिंग लर्निंग मटेरियल एंड वी हैव बीन मेकिंग दिस पोस्टर सिंस लास्ट 2 डेज एंड नाउ वी हैव डन। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।